क्या है? मामला ये है कि हमारे जो है पति का हमारे जेठानी से अवैध संबंध है, और वो लोग हमको जो है मतलब प्रताड़ित करते रहते हैं। जब हमें कुछ मतलब जानकारी मिली देखें तो हम आपत्ति जब करते हैं तो मारने पीटने की धमकी देते हैं घर में ना रहने के लिए जो है। फिर हम वहाँ थाने गए, थाने से फिर वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई पैसे के धन बल पे। वहाँ भी जो है बयान हमारा बदला गया, और फिर इसके बाद मेरे पास जुड़वा बच्चियाँ भी हैं दो, तो फिर वहाँ से जब बयान मतलब नहीं कुछ हुआ थाने से, फिर मैं महिला आयोग गई। महिला आयोग जो है वहाँ पे दिया अपना एप्लीकेशन वगैरह, 3 महीना तक वहाँ चला, फिर वहाँ से कोई मतलब निपटारा नहीं हुआ, हाजिर भी नहीं हुई, तो कोर्ट में जो है आ गया केस। फिर इन्होंने जो है मुकदमा कर दिया हमारे पति तलाक के लिए। अब वो भी जो है तलाक भी 2 बार सिविल से हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुका है 3 बार। जलालपुर में परिवार रजिस्टर का हमारा चल रहा, परिवार रजिस्टर से नाम कटवा दिए हैं। किसने कटवा दिए? वो हमारे जेठानी के जो मतलब भाई हैं और उनके पिताजी हैं जगदम्बा प्रसाद हैं, वो पहले पूर्व जो है सेक्रेटरी रह चुके हैं वहाँ ब्लॉक में। वो लोग सब मिल के जो है षड्यंत्र के साथ परिवार रजिस्टर से नाम कटवा दिए हैं और तलाक के लिए जो है यहाँ केस करवा दिए हैं। तो वहाँ भी हमारा केस चल रहा है परिवार रजिस्टर में, हमको पता चला तो हम आपत्ति डाले, फिर छानबीन किए तो वहाँ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर यहाँ सिविल कोर्ट में किए, DM के पास किए, मुख्यमंत्री के पास हमने कितनी बार 2 बार जो है दिया एप्लीकेशन, हाई कोर्ट से भी चल रहा है, RTO में वहाँ हम डाले हैं, तो तीनों जगह से। तो हमारा परिवार ये चाहते कि हम घर में रहें ना, अब इनका भौजाई से संबंध है, घर में से निकालना चाहते हैं, प्रॉपर्टी है सोचते हैं 2 हिस्से का एक हिस्सा हो जाए। हमारे जेठानी के पास 2 बेटे हैं, विधवा है वो, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं। जेठानी विधवा है, तो जब से जेठ हमारे और ससुर हमारे उनकी दोनों लोग की डेथ हुई तब से ये जो है प्रक्रिया चल, हमको कोई जो है न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है, और 11 साल हो गए हमारा मुकदमा चल रहा है।